देख रहे हैं जेवन राजस्थान न्यूज और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी से है, जहां आज सोमवार को पंचायत समिति की साधारण सभा का आयोजन हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधि सहित कई विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। साधारण सभा में उपखंड अधिकारी प्रमोद कुमार, तहसीलदार बन्नाराम चौधरी, विकास अधिकारी नरेंद्र साहू, प्रधान बिजलाराम चौहान, एसआई सोनाराम चौधरी, सहायक विकास अधिकारी आयदान सिद्धप ने भाग लिया। वहीं विभाग के अधिकारी व जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आयोजित साधारण सभा में उपखंड अधिकारी प्रमोद कुमार ने कहा कि आगामी दिनों में आयोजित होने वाले प्रशासन गांवों के संघ अभियान में ज्यादा से ज्यादा आमजन को लाभ पहुंचाने के साथ सरकारी योजनाओं से जोड़ने का आह्वान किया। विकास अधिकारी नरेंद्र साहू ने कहा कि प्रशासन गाँव के संघ बैठक में राजस्व के सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे, जिसमें नियमानुसार होने वाले कार्य हाथों हाथ कर आमजन को लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाएगा एवं ग्राम पंचायत में भूमिहीन ग्रामीणों को पट्टे जारी करने की बात कही। बैठक में नरेगा सहित कई मुद्दों को लेकर वार्तालाप की गई। साधारण सभा बैठक में कई विभागों के अधिकारी व जनप्रतिनिधि अनुपस्थित भी रहे। गुड़ामलानी से जोगिंदर आचार्य की विशेष रिपोर्ट। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी प्रशासन गाँवों के संघ अभियान 2 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। उपखंड क्षेत्र गुड़ामलानी के समस्त नागरिकों से, जनप्रतिनिधियों से मेरा आग्रह है कि इन प्रशासन गाँवों के संघ अभियान में जो 19 विभागों की योजनाएं हैं और जो कार्य हैं वो उनको डोर स्टेप पर उपलब्ध होंगे, वो उन सभी योजनाओं का पूर्ण लाभ लें और इस अभियान को सफल बनाएं। साथ ही मीडिया से भी मेरा आग्रह है कि अधिकाधिक प्रचार करके समाज को इनका फायदा लेने के लिए जागरूक करें। धन्यवाद।